तो चलिए मैं बता देता हूँ इन सभी केबल को मदरबोर्ड के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रंट पैनल की केबल को मदरबोर्ड के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे फ्रंट पैनल किसे कहते हैं। दोस्तों, सीपीयू में एक होता है पावर बटन और एक होता है रीस्टार्ट बटन। तो जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं पावर बटन दबा करके, तो इसमें दो एलईडी जलती है, एक होता है पावर के लिए, एक होता है हार्ड डिस्क के लिए। तो सीपीयू के अंदर इसकी जो केबल होती है उसी को बोलते हैं फ्रंट पैनल। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, ये जो केबल आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं फ्रंट पैनल केबल है। तो आज हम सीखने वाले हैं इन सभी केबल को मदरबोर्ड के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें कौन कौन सी केबल होती है। दोस्तों, एक होता है पावर SW, तो पावर का मतलब हो गया पावर है, और SW का मतलब होता है स्विच। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो हम पावर बटन दबाते हैं ये उसके लिए होता है। और एक होता है रीसेट का, ये देखिए, ये कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए होता है, और ये दिया हुआ है SW। तो रीसेट का मतलब हो गया कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, और SW का मतलब हो गया स्विच, और ये दिया हुआ है इसके अंदर हार्ड डिस्क LED। जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो अगर हमारे कंप्यूटर से हार्ड डिस्क कनेक्ट है, CPU के अंदर एक होती है हार्ड डिस्क LED, वो जल जाती है। और ये जो केबल आप देख रहे हैं ये होता है पावर LED। जब हमारा कंप्यूटर प्रॉपर स्टार्ट हो जाता है तो कंप्यूटर में एक होता है पावर LED, वो जल जाता है। तो चलिए मैं बता देता हूँ इन सभी केबल को मदरबोर्ड के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। दोस्तों, मदरबोर्ड के अंदर यहाँ पे जो इतनी सारी पिनें देख रहे हैं, तो इसी के बीच में होता है हमारा एक फ्रंट पैनल पिन है। तो इतने सारे पिनों में हम कैसे पहचानेंगे कि हमारी फ्रंट पैनल की पिन कौन सी है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे जितने भी पिनें हैं सभी के सामने इसका नाम दिया होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है फ्रंट पैनल USB 1, ऐसे ही इसका नाम दिया हुआ है फ्रंट पैनल USB 2। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में दिया हुआ है फ्रंट पैनल 1 है। तो फ्रंट पैनल के जितने भी केबल हैं वो सभी हमें यहाँ पे लगाना होता है। अब यहाँ पे इन सभी पिनों में कौन सी केबल कहाँ पे लगेगी, तो हर मदरबोर्ड के अंदर फ्रंट पैनल का एक फिगर बना होता है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि मदरबोर्ड में कहाँ पर है। देखिए, ऐसे यहाँ पे आसपास में ही होता है, जहाँ भी फ्रंट पैनल की पिन होती है वहीं पे दिया होता है इसके बारे में एक फिगर बना होता है कि कौन सी पिन में आपको कौन सी केबल लगाना है। तो देखिए, यहाँ पे मेरे मदरबोर्ड में इस साइड में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फ्रंट पैनल, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दिया पावर LED, रीसेट, सभी के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं कि कौन सी केबल कहाँ पे लगेगी। तो दोस्तों, अगर आपके मदरबोर्ड में नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो पिने हैं इसके अंदर कौन सी केबल आपको कहाँ पे लगाना है। दोस्तों, एक मदरबोर्ड में फ्रंट पैनल की टोटल 9 पिन होती है। तो यहाँ पे जो आप पहली पिन दिख रहे हैं इसके नीचे यहाँ पे पिन नहीं है, इसके बगल की दो पिन पावर के लिए होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो फ्रंट पैनल की केबल है इसमें यहाँ पे मैं देखना पावर SW, देखिए ये लिखा हुआ है पावर SW, तो इसे हमें इसमें लगा देना है। तो यहाँ पे इसे मैं लगा देता हूँ। और दोस्तों, इसमें भी होता है प्लस माइनस है, तो ये जो लिखा हुआ है इसे आपको लगाना होता है बाहर की ओर है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं लगा दिया, और देखिए इसके नीचे यहाँ पर ये जो सिंगल पिन है, ये दो पिन जो आप देख रहे हैं ये रीसेट के लिए होता है। तो इसमें दिया हुआ है रीसेट SW, तो देखिए ये रहा हमारा, तो इसे मैं लगा देता हूँ इस वाले में, और इसमें भी होता है प्लस माइनस है। तो आपको याद रखना है, अगर जैसे मदरबोर्ड में जैसे ये पावर SW का लिखा हुआ बाहर है ये देखिए, तो इसी तरीके से यहाँ पर जो रीसेट SW लगाएंगे ये भी हमारा बाहर की ओर होगा। देखिए, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ इस तरीके से, तो ये जो लिखा हुआ है ये बाहर की ओर का आपको लगाना होता है। और ये जो चार पिन है, एक पे लगेगा हमारा हार्ड डिस्क LED का, तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये देखिए, और इसमें भी होता है प्लस माइनस है। प्लस माइनस हम पहचानते कैसे हैं, जो कलर वाली केबल होती है ये देखिए, इसमें भी कलर है और इसमें भी कलर है, तो ये हमारा पॉजिटिव होता है, ये प्लस का होता है, और जो व्हाइट होता है हमारा ये नेगेटिव होता है। यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा दिया हुआ है हार्ड डिस्क LED, तो इसमें जो पॉजिटिव ये बाहर की ओर होगा और नेगेटिव अंदर की ओर है, और ये जो लिखा हुआ दिया हुआ है ये बाहर की ओर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से लगा देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर ये पिन है, मैं इसमें ऐसे लगा देता हूँ, तो ये लगा दिया मैंने, और ये दिया हुआ है पावर LED। इसमें देखिए, इसमें भी दिया हुआ है प्लस और माइनस है, तो इसमें भी क्या होगा, ये आपका प्लस बाहर की ओर होगा और नेगेटिव अंदर की ओर है। तो देखिए, यहाँ पर ये जो है इसको मैं इस तरीके से ले लेता हूँ, और जो लिखा हुआ होना चाहिए ये बाहर की ओर होना चाहिए, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से लगा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऐसे लगा दिया। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने कंप्लीट फ्रंट पैनल का सेटिंग कर लिया है, जो भी हमारी केबल है हमने मदरबोर्ड से कनेक्ट कर दिया है। तो चलिए अब मैं अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि ये जो जितनी हमने केबल अटैच किया हुआ है ये किस तरीके से हमारे कंप्यूटर में काम करता है। दोस्तों, मदरबोर्ड में अपने CPU से अटैच कर दिया है, तो अब कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर दिया पावर बटन है, और ये दिया हुआ है रीस्टार्ट बटन है।
तो जैसे मैं कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए पावर बटन दबा रहा हूँ तो प्रेस करते ही यहाँ पे ग्रीन लाइट जल जाएगी, ये देखिए। तो ये होता है पावर के लिए, और ये दिया हुआ रेड लाइट है, ये होता है हार्ड डिस्क एलईडी के लिए। तो एक फ्रंट पैनल में जो भी हमारी केबल होती है, एक होती है हार्ड डिस्क एलईडी के लिए, एक पावर एलईडी, एक होता है पावर एसडब्ल्यू, और एक होता है रीसेट एसडब्ल्यू, जो कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के लिए होता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों दी गई जानकारी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन प्रेस कर दें, ताकि मैं आपके लिए और भी नई वीडियो जैसे ही अपलोड करूँ आपको उसका जानकारी सबसे पहले मिल सके। थैंक्स।